इंतजार खत्म हुआ। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को कड़ी टक्कर देने भारत में ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च कर रही है। 240 किलोमीटर तक का शानदार माइलेज देने वाला देश का सबसे सस्ता नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हां दोस्तों, ओला आने वाले जून या जुलाई महीने में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इटर्गो ऐप स्कूटर को लॉन्च कर देगी। अगर आप भी ओला के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम कीमत, स्कूटर में क्या नया मिलेगा, स्कूटर कब लॉन्च होगा, वो सब जानकारी इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें ओला के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो कंपनी बेहद ही जल्द अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम करना शुरू कर देगी। जानकारी के लिए बता दें कि ओला अपने आने वाले नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में इटर्गो के मशहूर ऐप स्कूटर की तकनीक का इस्तेमाल करेगी, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इटर्गो ऐप स्कूटर का ही इंडियन वर्जन होगा। खैर, पावर रेंज की बात करें तो ओला इटर्गो ऐप स्कूटर में कंपनी स्वैपेबल बैटरी का इस्तेमाल करने वाली है, जो कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर 240 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। इतना ही नहीं, ओला का ये स्कूटर पिकअप के मामले में भी सबसे अलग है। ये स्कूटर महज 4.5 सेकंड में ही 0 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है ना कमाल की बात। खैर, ओला के अपकमिंग स्कूटर के फीचर्स और लुक की बात करें तो इस स्कूटर में भी सभी जगह एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल भी करेगी। वहीं ओला के इस स्कूटर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ सीट्स के नीचे 50 लीटर की क्षमता का बूट स्पेस दिया है। ओला के इस नए स्कूटर की कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें जारी की गई थी, जिसमें ये स्कूटर काफी फंकी और मस्कुलर लुक के साथ दिख रहा है। अगर हम इस स्कूटर के चार्जिंग टाइम की बात करें तो ओला ने आज जिस हाइपर चार्जर को देश भर में इंस्टॉल करने की बात कही थी, उसे भी इस स्कूटर के लॉन्च के समय ही इंस्टॉल किया जाएगा। कंपनी के अनुसार ये हाइपर चार्जर बहुत ही पावरफुल होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस हाइपर चार्जर से ओला के नए स्कूटर को महज 18 मिनट में ही 0 से 50% तक चार्ज किया जाएगा, जिससे राइडर को ये स्कूटर 75 किलोमीटर की रेंज अतिरिक्त देगा। हाल ही में कंपनी ने बताया कि हम जिस शहर में इस स्कूटर को लॉन्च करेंगे वहां पहले से ही हाइपर चार्जिंग सेटअप लगा देंगे, जिससे आम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को कम समय में चार्ज करवा लेंगे। है ना कमाल की बात। खैर, कीमत की बात करें तो 2021 ओला ऐप स्कूटर को लॉन्च होते ही 1,15,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग की बात करें तो कंपनी ओला के इस स्कूटर को जुलाई महीने में लॉन्च कर देगी और लॉन्च होते ही इस स्कूटर का भारतीय बाजार में कड़ा मुकाबला बजाज चेतक इलेक्ट्रिक और टीवीएस आईक्यूब से होगा। हमें लगता है ओला के आने वाले इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।